इस बच्चे लोगों ने बड़ा कांड कर दिया। ये जो गाड़ी का ये देखिए, कहाँ आईना इन्होंने तोड़ दिया है। आईना कहाँ गया? आईना तो आईना तोड़ दिया तो लगता है अब इनको ठोकना पड़ेगा। कहाँ है पहले दिख जाए बस। ये देखो भाई, आईना तोड़ के ये लोग इधर बिस्तर पे लेट के दोनों लेट गए, छिप गए हैं। सोच रहे हैं मार नहीं खाएंगे आज। जा रहे चप्पल लेके आ रहे, चप्पल ले क्या, चप्पल ले क्या, आज इनको तरीके से मार पड़ेगी तभी सुधरेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के बच्चे कितने शैतान होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतान है यार। तो अभी बहुत काम है, सामान को क्या है जो दुकान के लिए आया है उसको हमको थोड़ा मिलाना है, मिलाना है। तो चलिए उसको मिलाते हैं, 4-5 कार्टून हैं। तो हेलो गाइस, मेरा जो आज मन हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ आज दीदी के यहाँ जाया जाए और दीदी को सरप्राइज़ दिया जाए, भांजे भांजी को सरप्राइज़ दिया जाए। तो गाइस अभी का टाइम है कुछ खास, क्योंकि मेरी दीदी आ रही है अपना मेडिकल का एग्ज़ाम कंप्लीट करके। तो अभी वो आएगी, फिर हम जाएंगे बड़ी दीदी के यहाँ उनके ससुराल मज़े करने, क्योंकि उनको सरप्राइज़ देंगे, मज़ा आएगा। मेरा भांजा वहाँ रहता है क्यूट सा, तो उससे मिलने में ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को। मैं एक्साइटेड रहता हूँ उससे मिलने के लिए। तो सीधा आप दीदी के आने के बाद मिलते हैं। करीब करीब उनका ट्रेन जो है 5:30 से 6 बजे तक है। तो गाइस मेरा मूड बन गया था थम्सअप पीने का, अभी थम्सअप क्यों पी रहा हूँ? देखिए यह मैं बोलता हूँ ना आपको, हफ्ते में 2 से 3 घटनाएं यहाँ देखने को मिलेगी लड़ाई झगड़े वाली। अब फिर से जस्ट सामने वाले फल वाले चालू हो चुके थे लड़ाई झगड़ा करने को। अब मैं क्या फेस रिवील नहीं कर सकता यार, उनका वीडियो नहीं दिखा सकता, प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, तो सॉरी। बाकी साउंड सुना सकता था, वो भी नहीं सुना क्योंकि गाली गलौज ज़्यादा रहता है। तो छोड़िए, हम तो थम्सअप पियेंगे, चिप्स खाएंगे जो कि न्यू फ्लेवर अब हल्के फुल्के का टोमेटो फ्लेवर में आए, खाते हैं फिर बात करेंगे। तो गाइस मौसम जो हो रहा है गंदा वाला, ख़राब एकदम, डेंजर टाइप का। आप बादल को तो देखिए एकदम ब्लैक ब्लैक काला काला, तो ये हो गया थोड़ा डेंजर टाइप का। तो मैं सोच रहा हूँ पहले कि बाहर का जो सामान है वो अंदर कर लूँ, ताकि तूफान भी आएगा लग रहा है। और दीदी अभी आ रही है, अभी उनका टाइम नहीं है, उनका ट्रेन अभी 5:15 हुए, उनके 5:30 से 6 बजे तक उनका ट्रेन आएगा। तो तब तक लिए पहले यार सामान अंदर कर लिए, तूफान आने वाला है। तो अभी जस्ट जो है लाइट भी बंद हो गया, आप देखिए वो क्या है, वो जो लाइट है ना ये बैटरी वाला है, तो लग रहा है इसको भी बंद कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा सीन भी आएगा। तो लाइट बंद हो चुका है और हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो बस अब दीदी का आने का इंतजार। अरे बाप रे, उधर तो बादल खुल, वो देखिए उधर उधर पूरा बादल खुल गया है, एकदम खुला खुला धूप आ गया है। और जो उधर ही इधर इधर देखिए तो काले काले बादल हैं, जो मतलब जस्ट अपोजिट एरिया। सही है, ये सीन गजब लगता है, एकदम काले काले बादल। और ये दुर्गा पंडाल जो है वो बन चुका है, मतलब इसका स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं। अभी इसमें ना मान लीजिए 2 से 3 दिन बाद इसमें इसका पूरा कपड़ा, टेंट में पूरा कपड़ा वपड़ा लगाएंगे, इसका सेटअप बनाएंगे, फिर तैयार हो जाएगा। मतलब करीब करीब मिनिमम 5 तारीख तक ये तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से। कल रातों रात इस पूरे सेटअप को ना ये तैयार किए हैं। सही है, ठीक है। अभी चलिए कॉल आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं दीदी के आने के बाद। तो गाइस दीदी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं हम सीधा बड़ी दीदी के यहाँ, उनको सरप्राइज़ देंगे, वहीं पर मिलते हैं सीधा। अब बीच में व्लॉग व्लॉग नहीं बनाएंगे, क्या है लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। अभी करीब मिनिमम 7 बज चुका है, तो चलिए चलते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा भीड़ है, देखने में तो कुछ मारपीट वाला लग रहा है। ओ भाई ये तो 100-200 लोग है पिकअप में भर के जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, सब बैग लटकाए हुए हैं। ये छोड़िए अपने को क्या, इधर इधर ट्रक में भी जा रहे हैं, बताइए अब जो भी हो अपने को क्या है। आप आगे का सीन देखिए, तो गाइस मैं अपनी दीदी के साथ हूँ।
इस कैमरे का जो क्वालिटी है ना, कतई जहर है मेरे कैमरे के आगे। और ये मैं पार्ले जी लेके आया था डॉगी के लिए, जो कि भाग गया, उसको बिस्किट देने जा रहा था, वो भाग गया। तो क्या भाई, वीडियो गजब आ रहा है। और पीछे देखिए, पीछे के दिखा जो नदी है ना, बहुत घट चुका है, पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। तो चलिए चलते, बहुत लेट हो गया, तो सीधा दीदी के यहाँ मिलते हैं। और क्या है, हाईवे में खड़े हैं, पीछे कार वार आ रहा है तो ठूक जाएंगे, तो ऊपर चले जाएंगे। भाई अभी बहुत आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है, ऊपर जाने से पहले नीचे चलिए चलते हैं। दीदी बैठ गई, चलिए चलते हैं। अरे बाप रे, वो लाइटनिंग स्टॉर्म देखे आप? अरे गजब, क्या दिख रहा था, कितना अच्छा दिख रहा है लाइटनिंग स्टॉर्म। अभी देखिए आप, और भी बहुत वो गजब, एकदम पर्पल पर्पल कलर दिख रहा है। सही है, मजा आ गया। चुके हैं दीदी और मैं, तो अब सरप्राइज देने वाले, उनका दरवाजा बंद है घर का। आपको कैमरा मतलब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो रिएक्शन आप देखते हैं। तो आप कौन हैं सर? हम यहाँ पर सर्वे करने आए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो आप देख सकते हैं दीदी लोग कब टाइल्स लगवा ली, हमको पता भी नहीं चला। और यहाँ पर सब लोग टीवी देख रहे हैं। अरे ये है हमारा भांजा, जो कि बिना कपड़े के बैठा है। ओ ई, तो यहाँ पर मौज कर दिए। तो हमारे पास इससे बड़ी बड़ी सरप्राइज भरी पड़ी है अभी। तो कैसा लगा आपको? ये देखिए हमारी भांजी है। तो अब देखो, अब देखो, अब मौज कर दिए। ए है से जल, ये देखिए इनको कोई मतलब इनके मन में देखिए कोई खुशी नहीं हुई है। तो खुशी और किस ना होते। तो मजा आया, बहुत मजा। और ये हमारा भांजा दो की अभी कपड़ा पहन रहा है, चड्डी पहन के बैठा था। तो ठीक है, तो कैसा लगा आपको? कुछ तो बोलिए, हैं कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये तो ये कुछ नहीं बोल रहा। तो जीजा जी का पैर छू लेते हैं। और दीदी का पैर कहाँ है? और ये हमारा भांजा, हाँ खुश रहो। ये हमारी भांजी, इसका भी पैर छू लेते हैं। आपने उस टाइम का वो टोल प्लाजा वाला क्राउड वाला सीन देखा ही होगा। मेरे को भी समझ में नहीं आया उसकी किस चीज का सीन था, क्या हो रहा था। भीड़ तो था करीब 100-150 लोगों का। ठीक है, जो भी होगा बाद में देखेंगे, उसके बारे में कल देखेंगे। गौ माता है, गौ माता हमें कुछ नहीं आता। वो लड़का बैठा है जो इसका बच्चा है, इसी गाय का। क्या कर रहे हो भाई अकेले अकेले? और ये बोली हमको भी तो लो यार, वीडियो में कैसे नहीं ले रहे हो? ठीक है लेंगे हम मना थोड़ी करते हैं। ये खुश हो रहा है लड़का। अरे यार मैं अब यूट्यूबर बन जाऊंगा मैं भी, भाई मेरे को भी लो। ठीक है, ए कितना क्यूट है ये, कसम से। ये जा रहा है लड़का वहाँ पर बैठ गया। यार ये दीदी बटर लेके आए मतलब आज, और मैं लेके आए मेयोनीज चीज। तो आज तो मजा है, मैं बोलना नहीं आता मेयोनीज मेयोनीज फलाना ठिकाना कुछ इमका ढिमका नहीं आता यार। और सब्जी में क्या बना है अभी? अरे भाई आलू और झुलका, मजा ही आ जाएगा। प्लस पॉइंट में इधर दीदी पनीर तैयार भी कर रही है, तो आज का सीन है वो भी गजब रहेगा। अभी इधर दूध गर्म हो रहा है, तो आज खाने में मजा आ जाएगा। मेरे को झुरका और आलू बहुत पसंद है। प्लस पॉइंट में कल पनीर बनने वाला है, मटर पनीर, तो और मजा आएगा। तब तक चलिए अब सीधा हाथ मुंह धोते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। ये है जो हमारे दीदी के यहाँ का बिल्ला, जिसका वीडियो मैं आप को उस समय डाला था जब हम दोनों थे, मतलब ये दूध के लिए तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, भाग भाग रहा है। और मतलब जब हम जीजा जी और मैं पार्टी कर रहे थे तब दिए थे। ओलू 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 कुछ नहीं बिल्लू, ओ बिल्लू चलिए बिल्लू साहब जी।
ओ बिल्लू, ओ बिल्लू 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 बिल्लू, ओ देखिए ये लड़का बड़ा गुस्सा हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा पकड़ो तो। भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग गया भाग गया भाग गया। ये प्यारा बिल्लू है, ये मतलब हमारे वाले बिल्लू से ना और भी ज्यादा क्यूट है। प्राइस देख के मजा आ गया, और बाल देखिए इतना बड़ा बड़ा, सही है अच्छा सही है। ये मेरा भांजा अनिल जी, अनिल जी बस।